मैंने बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन में देखा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके, एज अ प्रोफेशन उनको परस्यू करना चाहिए कि नहीं, जैसा वो सोचते हैं वैसा इंटीरियर डिज़ाइनिंग है या नहीं, और क्या वहाँ जाने के बाद उन्हें वो मिलने भी वाला है कि नहीं जो वो चाहते हैं उस प्रोफेशन से। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, कि कैसा लाइफस्टाइल एक्चुअल में होता है इंटीरियर डिज़ाइनर का, वैसा नहीं जो आप उसके बारे में सोचते हो। हो सकता है जो आप सोचते हो और जो वो एक्चुअल में है उसमें काफ़ी फ़र्क हो, और आप अपनी सोच के हिसाब से वहाँ एडमिशन ले लो और आपको आउटपुट जो मिले वो बिल्कुल भी वैसा ना हो जैसा आपका डिज़ायर्ड हो, जो आप चाहते हो। तो मैं एक रियलिटी ऐसी बताता हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, जो शायद आपको लगे कि यार अच्छा ऐसा नहीं है क्या, DIY टाइप का प्रोफेशन है। बहुत लोगों से सुना है मैंने कि इंटीरियर डिज़ाइन तो बहुत क्रिएटिव प्रोफेशन है, DIY होता है जैसे डू इट योर सेल्फ। जैसे क्या आपको क्या लगता है, इंटीरियर डिज़ाइनर दीवारों पर पेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पेंटिंग बना रहे होते हैं या फर्नीचर बना रहे होते हैं? ऐसा नहीं है इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोफेशन बॉस। जैसा भी है आप ना जनरली डिज़ाइन करते हो, जैसे कहाँ पे टेबल आएगी, कहाँ पे चेयर आएगी, कैसी चेयर आएगी, उसका फैब्रिक कौन सा होगा, ये सब आप डिसाइड करते हो। ये क्रिएटिविटी है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, आपको डिज़ाइन करने में डिसाइड कर सकते हो आपकी यहाँ पे ये आएगा, क्यों आएगा आपको पता है, लेकिन उसको जो करेगा वो कारपेंटर होगा, वो पेंटर होगा। आप जो सोचते हो ना कि आप अपने हाथों से ये सब करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जनरली होता है वो मैं बता रहा हूँ, एवरेज जो है इंटीरियर डिज़ाइनर्स का नहीं किया जाता। और दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखती है ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, लोगों को पता ही नहीं होता कि इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के बाद उनका 90% टाइम जो है ना वो PC पे जाने वाला है। मुझे खुद नहीं पता था, मैं ऐसा डिज़ाइनर कभी नहीं बनना चाहता था जो 90% अपना टाइम PC पे दे, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और उसके बाद अब मुझे लगता है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। तो आपको अगर लगता है ना कि आप ना हाथों से स्केचिंग करोगे, ये भी बहुत बड़ा मिथ है इंटीरियर डिज़ाइनर्स में, लाइक अपकमिंग इंटीरियर डिज़ाइनर्स में, क्योंकि जो बन जाता है उसको तो पता चल ही जाता है कि स्केचिंग का कितना एक रोल आता है। स्केचिंग बहुत लोग पसंद करते हैं इसीलिए, या ड्राइंग्स कह लो, इसीलिए इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। ये बहुत क्या बोलूँ, छोटी सी सोच है इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके। एक एस्पेक्ट है स्केचिंग ड्राइंग वाला, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बूस्ट करती है वो, इसीलिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर को अगर वो आता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही है आपको ड्राइंग स्केचिंग आनी ही चाहिए, बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं आता है तो इन सब के लिए ना कंप्यूटर्स हैं, PCs हैं, आप कंप्यूटर में डिज़ाइन कर सकते हो, दिखा सकते हो सामने वाले को बना के कि ये मैं सोच रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि उसको हाथ से बना के ही दिखाओ आप, हाँ आप हाथ से बना पाते हो, स्केचिंग वगैरह अच्छी कर लेते हो, तो वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी के लिए, खुद की जो इमेजिनेशन होती है उसको स्ट्रोंग करता है, ये एक प्लस ज़रूर आता है। एक और जो हार्श रियलिटी है ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, वो ये है कि जॉब में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप एंटर करते हो ना जॉब वगैरह में, तो हो सकता है आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाए, लेकिन लास्ट कितनी मिलेगी, मान लो आप सीनियर हो गए हो इंटीरियर डिज़ाइनर, तो सीनियर्स को भी कितनी मिल जाती है। अगर आप सर्टिफाइड हो यानी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो एट मैक्स आपको 50-60 हज़ार मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो लगा लो 40-45 हज़ार, मैक्सिमम 50 हज़ार, इससे ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं। तो आप सोचो फ्यूचर में आपको 50 हज़ार अगर बहुत हैं तो आप इस प्रोफेशन में जॉब में सोचो कि आप कर लोगे, लेकिन आपको लगता है यार 50 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होने वाला फ्यूचर में, क्योंकि आज भी आपको लगता हो कि 50 हज़ार बहुत है, लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल भी बहुत नहीं होने वाले हैं 50 हज़ार। तो जैसे इवेल्यूएशन बढ़ता है ना, इंडिया का ऑलमोस्ट 6% से इवेल्यूएशन बढ़ जाता है। जैसे 100 रुपये की कीमत अगर आज 100 रुपये है, तो आने वाले टाइम में 100 रुपये नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में अगर आपको 50 हज़ार मिलते हैं तो वो बहुत कम रहने वाले हैं। और यही बात है कि आपको अपना ही कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रॉब्लम की बात करी कि इतना क्रिएटिव प्रोफेशन नहीं है, DIY टाइप का प्रोफेशन नहीं है। दूसरा, कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपको जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में सर्वाइकल के पेशेंट्स मिलते हैं। आप सर्वाइकल के पेशेंट बनना चाहते हो क्या? आई डोंट थिंक सो, कोई भी नहीं चाहता होगा। और तीसरा, अभी मैंने बात करी कि जॉब में इतना स्कोप नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो। इन सब का एक छोटा सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, अपना कुछ क्रिएट करो। भाई आप जब अपना क्रिएट करोगे ना, तो पहली बात, शुरू में आप हो सकता है कि सारा दिन कंप्यूटर में बैठे रहो क्योंकि आपके पास टीम नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलने लग जाएंगे तो आपके नीचे टीम आ जाएगी, तो आपका जो वर्कलोड है कंप्यूटर वाला मे बी या तो डिवाइड हो जाए या मे बी आपका ख़त्म ही हो जाए, आप सीनियर हो जाओ वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ना आप देखो, अब आप अपने हिसाब से भी वहाँ प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उसको शो कर सकते हो। आप जब जॉब करते हो तो आपको उतना ही करना होता है जितना वो सामने वाला बोल रहा है, उससे ज़्यादा करोगे तो उस क्लाइंट उतने पैसे नहीं देगा ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको बोला जाएगा कि नहीं ये इतना ही करो, इसके बाद ये भी करना है, इसके बाद ये भी करना है,
तो आप क्रिएटिव नहीं रहते हो इतने ज़्यादा जॉब में, लेकिन जैसे आप अपना कुछ बिल्ड करोगे तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो जो मे बी आपको इतना ज़्यादा पैसा ना देते हो लेकिन आपकी खुद की क्रिएटिविटी बूस्ट करते हो। जैसे जो रिच पीपल हैं या फिर जो अपर मिडिल क्लास का सेक्शन है जिन्होंने आर्किटेक्ट से अपना घर बनवा रखा होता है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। जो एक स्पेस है, एक रूम है, वहाँ पे आपको अंदर जाते ही पता चल जाएगा कि बेड की ऑब्वियस लोकेशन यही है, यहाँ पे कबर्ड आएगी, ये सब चीज़ें ना बड़ी फिक्स्ड हो जाती है अगर आपका आर्किटेक्ट ने किसी ने डिज़ाइन किया हुआ हाउस, तो वहाँ बड़ा ईजी होता है डिज़ाइन करना। लेकिन जैसे ही आप लोअर मिडिल क्लास के सेक्शन में जाओगे ना, तो वहाँ आपको पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पे ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। एक कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं एक तो, और ऊपर से उनकी जो नीड्स हैं वो अलग अलग हैं, तो वहाँ पे ना आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ना मज़ा आएगा, किक मिलेगी आपको वहाँ से। तो अगर आप खुद अपने बेस पे प्रोजेक्ट्स ले रहे हो ना, तो आप ये प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले लो जहाँ से पैसे आए, जैसे अपर मिडिल क्लास के ले लो, रिच क्लास के ले लो, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले लो जहाँ से आपको क्रिएटिविटी बूस्ट मिले, आपको वो मन करे करने का। तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हो जब सिर्फ और सिर्फ आप खुद अपने लिए काम कर रहे हो, वरना कोई जिसके लिए आप जॉब कर रहे हो वो क्यों कहेगा कि यहाँ से पैसा नहीं आने वाला, मैं तेरे को ये काम क्यों दूँ, तो ये काम करना जो जहाँ से मेरे को पैसा आने वाला है, सिंपल सी बात है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। और सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियल आती है, 50,000-60,000 में कुछ होता नहीं है इंसान का, तो वो जो है यहाँ पे बिल्कुल बॉस्ट हो जाता है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे जॉब में पैसा ना हो बेशक, लेकिन आप अपना कुछ करते हो वहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप अच्छे हो तो। और एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, आप जो स्पेस है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओ, मतलब कोई भी वेस्ट एरिया ना हो वहाँ पे, और ऐसा भी ना हो क्लटर हो वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, आई को प्लीजिंग लगना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और ऐसा भी ना हो कि डल लगे वो स्पेस। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर यही गलती करते हैं कि वो जो चल रहा है ना ट्रेंडिंग है सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, वो ये ध्यान ही नहीं देते कि इंसान की पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है। मे बी कोई ओल्ड एज का इंसान है और आप उसको एकदम मॉडर्न सी चीज़ें दे रहे हो अपने स्पेस में, उसके स्पेस में, तो वो मे बी उसको लाइक ना करे, उसको शायद अपने ज़माने का पसंद हो तो उसको वो दो। बेसिकली जो इंसान को चाहिए, आपके क्लाइंट को चाहिए, अगर आप वो सेटिस्फाई कर देते हो तो आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हो। सो आई थिंक दिस वॉज इट कि आप अपना कुछ जैसे ही बिल्ड करते हो, यू हैव टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, टन्स ऑफ थिंग्स टू डू, अपने बेस पे जैसे ही करोगे ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, जब आप अपने बेस पे शुरू करोगे ये इनिशियली प्रॉब्लम्स आएंगी, हमने भी शुरू किया है, हमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, एंड यू विल डू इट एज वेल। सी यू देन गाइज, टिल देन बाय बाय।